नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपके पास भी एप्पल पेंसिल है और आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, या फिर आप भी मेरी तरह एप्पल पेंसिल का यूज़ पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए ही कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एप्पल पेंसिल के लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने एप्पल पेंसिल का कुछ और बेहतर यूज़ कर पाएंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा उनमें से ज़्यादातर टिप्स एप्पल पेंसिल 1 और एप्पल पेंसिल 2 दोनों पर ही काम करेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी एप्पल पेंसिल किस आईपैड के साथ कंपैटिबल है। तो चलिए देखते हैं एप्पल पेंसिल के कुछ टिप्स और ट्रिक्स को। सबसे पहला और सबसे बड़ा यूज़ जो आप एप्पल पेंसिल का कर सकते हैं वो है स्क्रिबल फीचर के साथ। इस फीचर को यूज़ करने के लिए आप ऊपर इस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर टैप करके अपने इस मार्कअप टूल बार को ओपन कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें से अगर आप इस ब्लैक पेन को यूज़ करते हैं तो आप सिंपली अपने स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एक फीचर को देख लेते हैं जो हमें एप्पल पेंसिल 2 में ही देखने को मिलता है और वो है डबल टैप फीचर। जब आप अपने एप्पल पेंसिल के ऊपर यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो आप यहाँ पर इरेजर और पेन टूल के बीच में स्विच कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इरेजर और पेन टूल के बीच में यहाँ पर ये स्विच हो रहा है। इस फीचर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप अपने आईपैड की सेटिंग्स में एप्पल पेंसिल में जा सकते हैं और यहाँ से आप अपने डबल टैप फीचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इस डबल टैप फीचर को यूज़ कर सकते हैं अपने करंट टूल और इरेजर के बीच में स्विच करने के लिए, या फिर करंट टूल और लास्ट यूज टूल के बीच में स्विच करने के लिए, या फिर अपने कलर पैलेट को ओपन करने के लिए। यहाँ से आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं डबल टैप फीचर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। नेक्स्ट टूल है दोस्तों हैंडराइटिंग टूल। जब आप इस पेन को यूज़ करते हैं जिसके ऊपर ये ए बना हुआ है तो आप स्क्रीन पर जब भी कुछ लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप इस टेक्स्ट में से किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर डबल टैप करके उस वर्ड को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी लेटर के ऊपर ट्रिपल टैप करके उस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, टेक्स्ट को आप एक दूसरे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर ऐसे लाइन बनाते हैं वो टेक्स्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, या फिर आप उस टेक्स्ट के चारों तरफ ऐसे सर्कल बना के भी उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किन्हीं दो लेटर्स के बीच में स्पेस डालना चाहते हैं तो आप उनके बीच में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसे लाइन बनाकर उनके बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप दो लेटर्स के बीच की स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उनके बीच में लाइन बनाकर उनके बीच की स्पेस को ऐसे रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस वर्ड के ऊपर इरेजर की तरह ऐसे स्क्रैच करके उस वर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किन्हीं दो वर्ड्स के बीच में कुछ और वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्पल पेंसिल से उनके बीच में ऐसे प्रेस करके रखें तो आपको ये बार देखने को मिलेगा। अब आप इस ग्रे बार में कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद वो टेक्स्ट आपके एग्जिस्टिंग वर्ड्स के बीच में सेट हो जाएगा। दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि सारे ही फीचर्स आपको सिर्फ नोट्स ऐप में ही देखने को नहीं मिलेंगे। इन फीचर्स को आप थर्ड पार्टी ऐप्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फीचर नोटेबिलिटी और गुड नोट्स दोनों ही ऐप में काम कर रहा है। दोस्तों, इस स्क्रिबल फीचर को आप अपने आईपैड पे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने ऐप स्टोर के सर्च बार में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी ऐप को सर्च करने के लिए, या फिर आप सफारी में किसी वेबसाइट के एड्रेस को भी यहाँ पर लिख सकते हैं उसको ओपन करने के लिए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि आप अपनी एप्पल पेंसिल की मदद से किसी भी हैंड रिटन टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं भी एज टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने हैंड रिटन टेक्स्ट को इस सिलेक्शन टूल की मदद से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर टैप करके इन ऑप्शन से यहाँ पर कॉपी एज टेक्स्ट वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब जहाँ पर भी आप इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाकर सिंपली इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हैंड रिटन नोट यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आप अपने इस पेन टूल की मदद से अपने आईपैड पर बड़ी आसानी से कोई भी शेप बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने एप्पल पेंसिल से किसी भी शेप को ड्रॉ कीजिए और उसके बाद अपने एप्पल पेंसिल को कुछ देर के लिए प्रेस करके रखिए तो ये शेप अपने आप बन जाएगी। अगला यूज़ जो हम एप्पल पेंसिल का कर सकते हैं वो है स्क्रीनशॉट्स पर एनोटेट करने के लिए। और इसको बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि आप एप्पल पेंसिल की मदद से कैसे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं।
एप्पल पेंसिल से स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप अपने स्क्रीन पर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से ऐसे डायगनल स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाता है, और स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने एप्पल पेंसिल की मदद से इसके ऊपर कहीं भी एनोटेट कर सकते हैं, और उस स्क्रीनशॉट के ऊपर अपने कमेंट्स लेने के बाद आप उस स्क्रीनशॉट को किसी को भी बड़ी आसानी से यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ है दोस्तों कि आप अपनी मेल में ड्राइंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी मेल ऐप में जाएं और यहाँ से न्यू मेल ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर आप नीचे इस पेन टूल को सिलेक्ट करके ड्राइंग वाले ऑप्शन को ओपन कर लीजिए। ऐसा करने से आपके सामने ये नई ड्राइंग वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर किसी चीज़ को भी ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद इस डन ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद इस इंसर्ट ड्राइंग वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ऐसा करने से ये ड्राइंग आपकी मेल में अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी मेल में अपनी एप्पल पेंसिल की मदद से कोई भी ड्राइंग बनाकर ऐसे अटैच कर सकते हैं। एप्पल पेंसिल का एक बड़ा ही बढ़िया यूज़ आप कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म्स को फिल करने के लिए और सिग्नेचर करने के लिए। अगर आप अपनी फाइल्स ऐप में किसी पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं तो आप नीचे इस प्लस वाले ऑप्शन को देख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपना सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इस डन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दीजिए। अब आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ से आप इसको रिसाइज करके अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऐड सिग्नेचर वाले ऑप्शन की सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिग्नेचर आपके आईपैड पर सेव हो गया है, और फ्यूचर में जब भी आप किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर को ऐड करना चाहेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर इस प्लस बटन के ऊपर टैप करके अपने सिग्नेचर वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ से अपने इस सिग्नेचर को चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी इस पीडीएफ को अपने नोट्स ऐप में खोलते हैं तो आपको यहाँ पर वो सिग्नेचर वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऐड करने के लिए ऊपर इन 3 डॉट्स के ऊपर टैप करना होगा और उसके बाद इस सेंड अ कॉपी वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको इस मार्कअप वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर टैप करके यहाँ से आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर को ऐड कर पाएंगे। एक फीचर दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप अपने लॉक स्क्रीन पर ऐसे एप्पल पेंसिल से टैप करके अपने नए नोट्स में जा सकते हैं। ये फीचर बड़ा ही हेल्पफुल होता है जब सडनली आपको कुछ नोट लेना होता है, तब आप सिंपली अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर टैप करके उस चीज़ का नोट यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको अपने आईपैड की सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में आपको नीचे नोट्स सेटिंग्स में जाना है। नोट्स सेटिंग में सबसे नीचे आप यहां पर देख सकते हैं एक्सेस नोट्स फ्रॉम लॉक स्क्रीन। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप जब आप अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर एप्पल पेंसिल से टैप करेंगे तो आप क्या करना चाहते हैं। आप नया नोट ओपन करना चाहते हैं या फिर अपने लास्ट नोट को रिज्यूम करना चाहते हैं। यहाँ से आप उन दोनों में ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों कि आप अपनी नोट्स ऐप में स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए इस रूलर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस रूलर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं तो आपके स्क्रीन पर ये रूलर आ जाता है। अब आप इस रूलर की मदद से अपने स्क्रीन पर कहीं भी ऐसे स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने एप्पल पेंसिल का यूज़ थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि फोटोशॉप में भी कर सकते हैं अपनी फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए। मुझे पर्सनली आईपैड पर एप्पल पेंसिल से फ़ोटो एडिटिंग करना थोड़ा बेटर लगता है माउस के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, ये थे एप्पल पेंसिल के लिए कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी एप्पल पेंसिल को थोड़ा और यूज़फुल बना देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।